देख रहे हैं। आपको बता दें, शहर कोतवाली अंतर्गत तुलसी विहार कॉलोनी कालू कुआं में रहने वाली सौम्या ने सहायक आयुक्त उद्योग पद पर रहते हुए डिप्टी सीएम का मुकाम हासिल किया है। सौम्या सिंह ने सन 2015 में पीसीएस की परीक्षा पास कर सहायक आयुक्त उद्योग पद आगरा में ज्वाइन किया था, जिसके बाद वह लगातार तैयारी कर रही हैं और आखिरकार 2017 पीसीएस की परीक्षा पास कर डिप्टी एसपी के पद को हासिल कर लिया है। सौम्या ने बताया कि यह मेरा आखिरी लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य उप जिला अधीक्षक पद को हासिल करना है, जिसकी तैयारी में मैं अभी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बांदा की यह लाडली आज सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है, जो यह सिखाती है कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती और जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक पदभार संभालते हुए वीर सौम्या सिंह ने दूसरी बार पीसीएस की परीक्षा और साक्षात्कार पास किया है। के जनपद बांदा की निवासी हूँ, मेरा नाम सौम्या सिंह है। वर्तमान में मैं सहायक आयुक्त उद्योग के पद पर आगरा में 3 वर्ष से कार्यरत हूँ। यह सिलेक्शन मेरा 2015 पीसीएस में हुआ था। उसके बाद से ही मैं लगातार इंटरव्यू दे रही हूँ और मैं प्रयासरत थी अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके क्रम में मेरा 2017 पीसीएस में डिप्टी एसपी के पद पर चयन हुआ है। इससे मैं और मेरे घर वाले काफ़ी खुश हैं। ये मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसको मैंने अपनी दूसरी प्रायोरिटी में दिया था। पहली प्रायोरिटी मेरी उप जिला थी। मेरी बेटी सौम्या सिंह का यूपी पीसीएस 2017 में डिप्टी एसपी पद पर सिलेक्शन हुआ है, तो ये खुशी के क्षण है। हर माँ बाप के लिए उनकी ये इच्छा होती है कि उनके बच्चे ऊपर पद पर जाएं। पहले भी मेरी बेटी वर्ष 2015 में पीसीएस में सहायक आयुक्त उद्योग पद पर सेलेक्ट हुई थी और 3 साल से आगरा में वो कार्यरत थी। जॉब करते हुए उसने मेहनत किया और आज इस वर्ष के 2017 में जब कल रिजल्ट आया तो उसका इसकी सेकंड प्रायोरिटी जो पुलिस उपाधीक्षक थी उसमें इसका चयन हुआ है। अभी भी उसका लक्ष्य है कि वो एसडीएम पद पर चयनित हो, तो इसके लिए अभी वो प्रयास रहेगी और उसका जो लक्ष्य है वो एसडीएम बनना है, एसडीएम बनकर देश की सेवा करना है। बांदा से संवाददाता विष्णु सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज़। आप देख रहे हैं।